नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता जगदानंद सिंह को विवादित बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद की हमेशा से ही यही नीति रही है कि ऊंची जाति के लोगों को गाली देना, सनातन धर्म को अपमानित करना। जगदानंद बाबू बिना सोचे समझे कोई भी बयान दे देते, उनको अपने बयान के लिए लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सनातन धर्म को बदनाम करने का मामला तमिलनाडु से शुरू हुआ था, जहां तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में 2 सितंबर को एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां स्पीच के दौरान उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। उदयनिधि ने कहा कि जिस तरह मलेरिया और कोरोना को खत्म किया जाना जरूरी है, उसी तरह सनातन भी है। इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद इस तरह के कई मामले हमें देखने को मिले थे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।